हम सब बोल रहे हैं पंजाब जीतेगा, पर रौनक बोल रहा है राजस्थान रॉयल्स। पर नहीं नहीं नहीं, पंजाब मेरी फेवरेट है, लेकिन आज मैं राजस्थान को कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में फेवरेट है। जब हम पंजाब बोल दिए तो पंजाब ही होएगा, पंजाब ही। संजू सैमसन हंसेगा आज, केएल राहुल होएगा आज। कल कैसे हमने बोला मुंबई इंडियंस जीतेगी तो मुंबई इंडियंस हार गए। राजस्थान रॉयल्स। गाइज आज मयंक का बर्थडे है और हम दे रहे हैं सरप्राइज, और मयंक का है सर बर्थडे और हम दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे। चल उठ जा थोड़ी देर के, उठ जा लाले, आ जा लक्की, लक्की भी आया, लेना फोटो लेना। गाइज मयंक को हमने 12 रात के 12 बजे दिया छोटा सा सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे उसकी किटकैट वाला। तो पापा से बात करा दे पहले। बस अभी मैं क्या बोलूँ, कट कर दे और फोटो खींच लो, ये बाद में करते हैं। फास्ट कर दे। हाँ फास्ट कर दे। लक्की भी आए बर्थडे मनाने, मैं कह दे मेरे बुबरू कैसे उठे। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। चल बाबू अच्छे से फूंक मार, एक ही एक मार, अरे एक अच्छे से विश मार, अच्छे से मार ले लेना, हेल्दी स्वस्थ भ्रष्ट पुष्ट। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे मरुमन ब्लेस यू। फोटो की फोटो की फोटो वीडियो चल रहा है, थोड़ा ग्रुप में डालना ना। ए मच्चा चे, हैप्पी बर्थडे बोल के, हैप्पी बर्थडे, अरे बाबू और खिला दे थोड़ा सा, अरे बाप ले मेरा बंदर, अरे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और मेरे हाथ में क्या है पता, गुलाब, देख रहे हैं आप, इतने सारे गुलाब आज खिले। आज मैंने थोड़ी कटाई छटाई की गुलाब की, तो ये है मेरा देशी फ्लावर, ये इससे जो खुशबू आती है ना इतनी मस्त है ना, ये ऑरेंज ये जो है ना, ये वाले हैं हमारे देशी फ्लावर, देशी गुलाब है। और ये रहा पिंक, अभी इनकी कलियां आ रही हैं, इन दो कलियां देख रहे हैं आप, ये रही एक कली, ये रही दो कली, ये रही तीसरी। तो मैंने कहा इससे पहले ये थोड़ा मुरझाने लग गया था, तो मैंने कहा अब इसे मैं अपने गुलदस्ते में सजा लूँ थोड़े दिन। बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू है, बाकी इन दोनों में से तो नहीं आती। तो मैंने एक नया गुलदस्ता बनाया है मेरे टेबल के लिए, मंकी वाला, तो अभी आपको दिखाती हूँ उसमें मैं अपने ये फ्लावर्स अरेंज करके। तो ये रहा मेरा मंकी वाला गुलदस्ता, तो ये रहा मेरा मंकी वाला गुलदस्ता, टैंटलैन, ये मैंने बनाया मंकी का गुलदस्ता। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, और एक डालूँगी क्रोसिन टैबलेट, और ये फ्लावर्स इसमें सजाऊँगी, देखते कैसा लगता है। और ये रहा मेरी दूसरी खिड़की से गार्डन का व्यू, केले के पेड़ बड़े हो गए हैं, और वहाँ भी मैंने मेहंदी उगाई है। और ये जो झाड़ देख रहे हैं आप बड़ा वाला, ये मेरी मदर इन लॉ अपने मायके से लाई थी, अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ये हमारे केले की बागान। तो मैं अपना गुलदस्ता तैयार करके आपको बताती हूँ कैसा लग रहा है। दोस्तों आज है मयंक का बर्थडे, तो मयंक हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी तरफ से लाल गुलाब, कांटे हैं इसमें थोड़े से,
तगड़े कांटे है ना। तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है। बर्थडे के दिन अभी गला खराब हो गया है, तो बुखार तो उतर गया है, अभी थोड़ा सा गला खराब हो गया इसका। तो ये रहा मेरा गुलदस्ता तैयार, जो कि मेरे प्यारे प्यारे बंदर मामा ने लिया है। हेलो 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 मंकी, हेलो बेबी। तो मैंने ये गुलदस्ता बनाया, इस तरह से बनाया है। ये एक प्लास्टिक बॉटल से बनाया है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा। ये जो मटेरियल यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है वॉल पुट्टी, और ये जो है ये है पेप्सी की बॉटल, छोटी पेप्सी की बॉटल, जिसको मैंने कलर किया है। तो इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने बनाया है मंकी का गुलदस्ता, जो कि मैं अभी अपने टीवी स्टैंड होल्डर के यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो ये मेरा मंकी यहाँ पे है, इस ढक के बड़े बड़े गुलाबों के बीच में वही हो। स्मेल अच्छी है ना मंकी? मैं इसे यहाँ रखती हूँ अपने लाफिंग कुत्ता के सामने, चूट लग रहा है। तो दोस्तों बताइएगा, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं इसे डिटेल में बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो घर बैठे बैठे कुछ करती तो हूँ नहीं, मेरा मंकी बना दिया मैंने, जो कि गमलों को लेके बैठा है। ये रीस की पूछ, ये रीस की टांग, और ये इस तरह से इसने ये गुलदस्ता होल्डर पकड़ा। लक्की का गुस्सा, लक्की को हाथ नहीं लगाना। इधर लक्की, इधर इधर, इसको हाथ नहीं लगा सकता। लकी इधर आ, बाप लकी अभी ना मारो, अभी एक मारो, लकी को मारो नहीं सकते, कोई मार नहीं सकता लकी। छोटा छोटा बाबू, सेकंड कर, सेकंड सेकंड देख लकी, सेकंड कर काके, सेकंड करा, हाई फाई दे, हाई फाई। मेरा गुलदस्ता तैयार हो गया। ये तो ये आया है मयंक का सरप्राइज लेकर आया है रोमन, जो मयंक अभी अनबॉक्सिंग करेगा। अभी मयंक बहुत हो गया, हाँ बीमार बीमार तू, तो आ जाओ आ जाओ, तो उधर तक नहीं बॉक्सिंग आएगा, अभी गद्दा छोड़ आ जाओ। चलो वाह, टी शर्ट काफी अच्छी लग रही है इसकी। ओ गॉड, बैटरी भी लो। वाह टी शर्ट मस्त आई है तेरे ऊपर। तो लेट्स सी टिट्टू अनबॉक्सिंग क्या है, टिट्टू का क्या है। ओके, तो ये पकड़ जरा, मैं थोड़ा डांस कर लेती हूँ। थैंक यू बोल बुआ रोमन अंकल को, इतना अच्छा अब्दुल्ला दिखाना। अब्दुल्ला, गाड़ी तो है नहीं अब्दुल्ले की, अब्दुल्ला बन गए ना। शादी में सुनीता दिखा रही, गिफ्ट आई है, ओवर एक्साइटमेंट। तू अपने कमेंट दे रहे, क्या अच्छा दूसरी गुड न्यूज ना, आज क्या आई है? कैमरे में बोलो, कैमरे में नहीं बोलो, अच्छा बाद में बोलना। वो बोल रहा था कुछ सरप्राइज है मेरे लिए, मोबाइल आया है। सरप्राइज है आज इसको, फोटो फ्रेम दो। नहीं नहीं बोले, ये सरप्राइज है और ये सीक्रेट है, तो ये मैं नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगी। क्या मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है? हाँ। तू डांस की भी रिकॉर्डिंग की? हाँ। एडिटिंग में दिखा दिया मेरा। ये लो भैया, फाइनली पबजी वाले को मिल गया उसकी पसंद की चीज, हेडफोन। चलो भैया, ओ वाओ यार, दिखाना अनबॉक्सिंग। नाइस, क्या आ रहा है उसके साथ, उसके क्या है, अनबॉक्सिंग दिखाना चाहिए उसका। हाँ अनबॉक्सिंग करना है चाहिए इसका। दिखाएगा, अरे वाह, नहीं है तो दिखा।
दिखाओ आप अनबॉक्सिंग, बैटरी लो हो रही है, पास हो रही है। Yes, वो सब पारी लाइट्स। पारी लाइट्स, पारी हो रही है। वो यार तो डायरेक्ट ये है, पता है? डायरेक्ट चार्जिंग तक मूवी को डायरेक्ट चार्जिंग। आराम से अनबॉक्सिंग करें। सी टाइप का चार्जर। केबल सी। तगड़ा है इतना, बहुत अच्छा हेडफोन है। ये तो उन्होंने उसमें दिखाया था ना फ्लिपकार्ट में। अभी तेरा पबजी फुल ऑन स्टार्ट वापिस। हल्का है ना? हल्का मतलब बहुत हल्का। फुल नॉइस कंट्रोल है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। अभी तू मुझे गाली भी देगा तो भी नहीं सुनाई देगा। वॉइस कंट्रोल नहीं, सॉरी नॉइस कंट्रोल बोला मैंने। आई सेड नॉइस कंट्रोल। नॉइस कैंसिल। नॉइस कैंसिल। अबे नॉइस कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल नहीं तो तेरी इंग्लिश ही कितनी अच्छी है। ये मेरा पति है, सुपर डुपर इंग्लिश करता है। वो तो तेरी है। आज छोटा सा डिनर है, डैडी भी आ गए, तो चलो भैया केक लाओ, केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे। ये एक और बचता है ना अभी, ये नहीं है दादी का। मयंक तो बहुत एक्साइटेड है, अभी शुरू हो गया अपना ब्लूटूथ डाल के। तो तो मयंक का शुरू हो गया माइक फोन ईयरफोन लगा के खेलने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मयंक एटलीस्ट बीमार था तो थोड़ा उठ के बैठा है। इधर देख मयंक, पर यह है कि तू पतला अच्छा खासा हो गया। तो अभी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब का मैच चल रहा है, तो बताओ कौन जीतेगा आज? राजस्थान। डैडी कौन जीतेगा, पंजाब जीतेगा कि राजस्थान? पंजाब, अपरा पंजाब जिंदाबाद। मेरा तो राजस्थान कह रहे थे, राजस्थान जीतेगी आज। मेरी फेवरेट टीम पंजाब है। पंजाब मेरी भी है, लेकिन आज राजस्थान। चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, अपना तो पंजाब ही है अपनी दिल्ली। तो भाई पंजाब जीतेगा तो मज़ा आएगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हाँ, आज हमारे फेवरेट हनुमान जी का डे है, इसलिए हम सब वेज ही खाएंगे। आज तो हम वेज ही खाएंगे, सबको वेज खिलाएंगे। तो अब आ गया है केक, आज हम कट करेंगे केक। तो आ जाओ टिट्टू भाई जी, आप जब चेयर में बैठो और कुछ खिलाओ ना खिलाओ। लक्की खाना नहीं खाएगा लेकिन केक जरूर खाएगा। लक्की जब से बड़ा हो रहा है तब से उसको बड़ी शर्म आ रही है। देखो खाना नहीं खाएगा लेकिन केक जरूर खाएगा। और तू ना उसके बीच में आ जा, कच्छा पहन के सेक्सी टांगे मत दिखाओ अपनी। हाँ लक्की चल आ जा, टिट्टू के साथ केक काटेंगे। चल आ जा बेटा, थोड़ा क्रिकेट की आवाज़ कम करो। हाँ ये मेरे ख्याल से तो रेड वेलवेट, कौन सा ये ब्लू बेरी है? रेड वेलवेट नहीं लाया? अरे रेड वेलवेट। ओके उसमें गाना लगाना, हैप्पी बर्थडे लगाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू जी।
लेके गया था। अरे बाबा ज्यादा मत मीठा खिला, बस इतना चलेगा। अरे बोलो बाबू मजे लेता वो। राहुल नहीं थे, बतौर कप्तान खेले थे, जबरदस्त पारी इन्होंने उस मुकाबले में खेली थी। ये टीम को अपनी जरूरत से हमेशा आगे रखते हैं, बहुत बढ़िया टीम प्लेयर भयंकर 8.30 का इकोनॉमी है। पिछले साल की आईपीएल की बात करें, यूएई के पहले चरण में वो जो पहले 30 मुकाबले थे, लेफ्ट वॉज राइट, ब्रेंट बोल्ट ने, टी नटराजन ने बहुत विकेट चटकाई उस समय। सब मैच देखने में बिजी हैं और अभी राजस्थान ने बनाए हैं 185 और अभी पंजाब बैटिंग पे है। लेट्स होप कि पंजाब जीत जाए, पंजाब जीत जाए। 186 बना रही है पंजाब के लिए। 186 एकदम चौके छक्के। तो दोस्तों अभी खाना तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी बर्तन कौन उठाएगा वो चल रहा है। एज़ यूजुअल रोमन उठाएगा, सबका पेट भर गया है। बर्तन कौन उठाएगा?
बोल रहे हैं पंजाब जीतेगा, पर रौनक बोल रहा है राजस्थान रॉयल्स पर नहीं 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 पंजाब मेरी फेवरेट है, लेकिन आज मैं राजस्थान को कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान मेरी फेवरेट है। जब हम पंजाब बोल दिए तो पंजाब ही होएगा, पंजाब ही। संजू सैमसन हंसेगा आज, केएल राहुल होएगा आज। कल कैसे हमने बोला मुंबई इंडियन जीतेगी तो मुंबई इंडियन हार गए। राजस्थान रॉयल्स ये बैठे यहाँ पे बस, ये हमारा बच्चा केएल राहुल और ये मयंक अग्रवाल हमारा मैटिंग कर रहे हैं। संजू सैमसन तो पंजाब विन होगा। तो दोस्तों कल मयंक का बर्थडे एक और जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज कल हमने रात को सेलिब्रेट किया, आज इधर घर पे किया, और कल बर्थडे एक बार और सेलिब्रेट होगा मयंक का। कहाँ होगा किधर होगा वो तो बताएंगे हम आपको कल के व्लॉग में। तो मिलते हैं कल, सो सी यू। आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, और ज़िंदगी बस इसी तरह हसीन कटती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मयंक सेकंड। कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। हाँ, लाइक करें, शेयर करें, कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें। तो सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग, दैट इज़ टुमारो, सेलिब्रेटिंग मयंक सेकंड बर्थडे।